Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi and I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. और मैं इस रियल एस्टेट में हूँ पिछले 25 साल से और मेरा इंटेंशन है आप लोगों को सर्व करना, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देकर प्रॉपर्टी के बारे में, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जो ऑल ओवर मेजर सिटीज़ में इंडिया में जो आ रहा है। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और दूसरा, मुझे एडवाइस देने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली जब प्रॉपर्टी की कोई टॉपिक होती है। तो आज का टॉपिक है ओबेरॉय स्काई सिटी एंड द डेवलपर इज ओबेरॉय रियल्टी विच इज़ वन ऑफ द ब्रांडेड डेवलपर नॉट ओवर इन मुंबई बट ऑल ओवर इंडिया। एंड टुडेज टॉपिक इज ओबेरॉय स्काई सिटी एट बोरीवली डेवलप्ड बाय ओबेरॉय रियल्टी। So let's begin with the show. So friends, this is ओबेरॉय Sky City at Borivali East and they have recently launched tower number F. There are total 8 towers are there, A, B, C, D, E and F. अभी F tower launch हुआ है और काफ़ी बेहतरीन tower है। तो ये बिल्कुल images है, जो complex का images जो है वह इस तरीके का images है। हर एक टावर का जो हाइट है, ओबेरॉय का टिपिकल पैटर्न ऐसा रहा है कि वो जो भी कॉम्प्लेक्स बांधते हैं, मान लो अगर एक टावर या दो टावर का अगर कॉम्प्लेक्स होगा, अगर उस पर वो 2 BHK बांधेंगे तो उनका 2 BHK प्लान कंसिस्ट एक ही टाइप का प्लान रहेगा उनका, दोनों टावर में टिपिकल एक ही टाइप का टावर 2 BHK का। अगर मान लो ऐसे जैसे जैसा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो ओबेरॉय स्काई सिटी इज़ अ बिग टावर, गुड़ेगांव में ओबेरॉय स्क्वायर एंड ऑल दोस, ओबेरॉय गुड़ेगांव का जो ओबेरॉय है, ओबेरॉय मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है, वो भी काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे ओबेरॉय स्काई सिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 towers, तो यहाँ पर उनका जो टिपिकल प्लान जो रहेगा वो 2 BHK, नॉट 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। सो 3 BHK, 4 BHK एंड लार्जर 4 BHK, और 3 BHK 2 types और एंड 1 type ऑफ 4 BHK। तो 2 BHK तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में नहीं रहेगा उनका, वे विल गो फॉर बिगर साइज ऑफ फ्लैट, 3 BHK एंड 4 BHK टाइप ऑफ फ्लैट। सो दिस इज हाउ द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग इज एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एलिवेशन एंड द टावर, ऑल द टावर आर एटलीस्ट 60-story टावर। नाउ एफ टावर इज 66-story टावर, बट पहले जो उन्होंने बांधा है वो सब 60-story टावर है और कुछ 4 से 5 level का पोडियम पार्किंग है, उसमें 2-3 level का बेसमेंट पार्किंग है और क्लब एमिनिटीज़, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ एमिनिटीज़ अंदर दिया हुआ है। उनके पास मोर देन 50 एमिनिटीज़ उन्होंने कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है। दिस इज अगेन इफ़ यू सी द बर्ड्स आई व्यू फ्रॉम द आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम द टॉप, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये डायमेंशन यहाँ पर बाहर निकला, ये डायमेंशन यहाँ पर बाहर निकला और ये डायमेंशन ऐसे बाहर निकला है। तो ऐसे टावर्स में क्या होता है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है और इस प्रोजेक्शन को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2 flat होगा, यहाँ पर 2 flat होगा और यहाँ पर 2 flat होगा, मतलब इस तरफ 2 flat होगा और जो बैक साइड का, मतलब जो सच नॉट बैक साइड, ये फ्रंट या बैक जो भी बोलो, जो इस बिल्डिंग के बैक साइड का मैं बोलता हूँ, ये यहाँ पर जैसे इस तरफ 2 flat होगा और फिर पीछे जाते हैं, मतलब इस कॉर्नर में यहाँ पर 2 flat होगा। तो डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसा एफ टावर लॉन्च करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ABCDEF एफ टावर, अभी ये जो लॉन्च हुआ है इनका, तो यहाँ पर फ्रंट साइड में जो होगा ये 4 BHK होगा और यहाँ पर 3 BHK अलग अलग 2 size के हो सकते हैं। Let's see further. उसके पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक वीडियो शेयर करता हूँ, वो वीडियो हम लोग देख लेते हैं, उससे आपको काफी अंदाजा आ जाएगा कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है और क्या एमिनिटीज दे रहे हैं अंदर।
So friends, you have seen the small video of the project and it's very fantastic video. And जैसा आप देख रहे हो ये टावर का एलिवेशन आप देख रहे हो. फर्दर हम लोग थोड़ा इंटरनल व्यू ऑफ फ्लैट्स का देख लेते हैं. सैम्पल फ्लैट का व्यू है जहाँ पर हॉल और डाइनिंग टेबल का व्यू दिखाया हुआ है. दिस इज एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द सैम्पल फ्लैट. सो यू कैन इमेजिन द क्वालिटी ऑफ द फ्लैट. दे हैव गिवन इटालियन मार्बल इनसाइड एंड देयर इज अ फ्रेंच कट विंडो ओवर हियर एंड द सीलिंग हाइट इज ऑलमोस्ट 10 फीट क्लियर हाइट फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग. So this is again the bathroom fittings. You can see the image. Fittings are all branded fittings inside the flat. Jitne bhi sanitary fittings or tap fittings wagara diye hue hai, sara branded fittings hai. Aur yahan par bhi andar Italian marble diya hua hai inhone. With one partition, glass partition. ये shelf तो नीचे नहीं रहेगा, लेकिन ये image में ऐसे दिखाया हुआ है, पर ये storage के लिए shelf आप बना सकते हो. अगेन यहाँ पर ये जो इमेज है ये चिल्ड्रन बेडरूम इमेज है. जैसा भी बेडरूम को कन्वर्ट करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं. अगेन दिस इज द इमेज ऑफ द हॉल, लार्जर साइज हॉल वेयर दे हैव बिगर फ्लैट. तो वहाँ पर हाफ द हॉल इज कन्वर्टेड इनटू अ लिविंग रूम एंड हाफ 30% ऑफ द हॉल इज कन्वर्टेड इनटू डाइनिंग रूम. And the glass French cut window is throughout, it's running throughout the hall. So the moment you open this hole, you can see the open view outside the national park view outside. It will be very fantastic view when you buy a flat even about 10th floor. At tower is 60 story tower, there is 4 to 4 level of podium parking is there. But you buy a flat even on 10th floor, you can see open view of the national park from there. And some of the flats will get a city view on the other side where west facing is there. This is again the image of the kitchen. This is the image of the bedroom. Again, hall is divided into two parts with this partition where you can make this shelf as a book library. So this long hall get divided into two parts. One becomes a living room and other part can be utilized for maybe dining purpose or some other purpose. And corner of the hall can also be used for the study table for children. बच्चों के लिए अगर पढ़ाई करना है तो यहाँ पर study room या study, it's sort of room basically, study, but one part is can be used as a study portion over there. Then this is the actual layout of the plot. Plot is more than 25 acre plot is there. And it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 towers are there. Front side this portion, यहाँ पे जो rectangle portion देख रहे, ये इन्होंने commercial purpose के लिए रखा हुआ है. अब exactly यहाँ पर क्या आएगा वो अभी तक disclose नहीं हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा wait करना होगा. पर ये जो tower है जो हम लोग अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो A, B, C, D, E, F tower की बात कर रहे हैं. A, B, C, D, E एंड F. ये जो F टावर ये है ये इन्होंने लॉन्च किया अभी मार्च में 2021 में लॉन्च किया है. तो यहाँ पर जो फ्लैट्स के डायमेंशन है और फ्लोर प्लान है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो दिस इज द पोर्शन, दिस इज द टावर ओवर हियर. सो देयर आर टू फ्लैट्स ओवर हियर, टू फ्लैट्स ओवर हियर एंड टू फ्लैट्स ओवर हियर. And there is one small projection coming out from here. This is basically a studio flat, but I believe this flat is sold out. It's not available now. So ये भी कुछ चार या पांच flat हो सकते हैं पूरे tower में. पूरा row नहीं दिया हुआ है, होगा इसके लिए projection दिया हुआ है ऐसे बाहर यहाँ पर. तो this is one flat, one or two flat या चार flat हो गए शायद कोई refuse floor में या कहीं पर आया होगा. पर ये बहुत ही छोटा फ्लैट है तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे और ये फ्लैट भी सोल्ड आउट होगा.
एमिनिटीज वाइज देखेंगे तो इनके पास तो ओबराय में तो हर एमिनिटीज वो देते ही है, आप फिर भी मैंने अपने वीडियो में शेयर किया हूँ, जैसे उनका लैंडस्केप गार्डन है, चिल्ड्रन प्ले पार्क एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, स्क्वैश कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा अभी, लेकिन कुछ मेन आपको पढ़ के बताऊंगा, स्विमिंग पूल है, किड्स पूल एरिया है, एक्वेजियम इज देयर, जिमनाजियम इज देयर, देन इंडोर गेम्स आर देयर, बिलियर्ड इज देयर, क्रिकेट नेट इज देयर, देन जेट किड्स पूल इज देयर, मिनी थिएटर इज देयर, एम्पी थिएटर इज देयर, रेफ्लेक्सोलॉजी पाथ इज देयर, देन एंट्रेंस लॉबी विद हाई सीलिंग इज देयर, इट्स एटलीस्ट टू फ्लोर हाइटेड सीलिंग इज देयर, सीसीटीवी कैमरा इज फिटेड एवरीवेयर, हाई स्पीड एलिवेटर इज देयर विच विल बी अ ब्रांडेड फिटिंग एलिवेटर, बैकअप इज देयर एंड जनरेटर बैकअप इज देयर, then dry care center is there, doctor's room, first aid facility is there, saloon is there, cafe is there. In fittings and fixtures, they have all these branded fittings are there, where imported marble floorings are there for living, dining, kitchen and bedroom, and vitrified ceramic tiles for bathroom flooring, and for wash basin counter is there, the vitrified ceramic tiles, kitchen platform with stainless steel sink and anti-skid tiles, aluminum windows, concealed plumbing, branded CP fittings, branded electrical switches, video door phone, laminated flush doors, split ACs, AC builder is providing, modular kitchen and wardrobe, okay, good. So this is the typical floor plan of the F tower. तो यहाँ पर आप देखो तो कुछ dimension आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ आप इससे अंदाज यही लगा सकते हैं कि ये जो flat है इसका नाम है Majestic. अब Majestic में इन्होंने दिया है 1400 carpet, where the price goes with the package 4.50 crore. और दूसरा जो है this one is over here is Signature. So see, this is studio signature studio over here, so this has a separate room, so I think so this studio is attached with this flat, could be a servant room where they are telling a signature studio, because on plan it is showing it has a separate room over here, so either this flat can take this flat or this flat can be taken this flat, because it has separate entrances. This signature is attached with this flat. Sorry, plan is very small, so I can't see it from here. Moment to enter here from the flat, so this signature studio is attached with this flat. So this basically, it's a servant's room. Okay. So signature is having around 1690 carpet and price would go somewhere on 5.75 to 5.80 crore package. And there is a light, E-L-I-T, light. Here is a light, here is a light, this is a light, and this is a light. And this is signature, which is with signature studio. You can say a servant room, new name is signature studio. So this is a larger flat. A light is 1300 carpet and the price is 3.54 package. So let's see if we can have a bigger picture of this floor plan. So friends, this is the actual floor plan of the building, and let's see if I can zoom this for you. No, there is no. Okay, I can. So here if you see, okay, this is Majestic over here. So here you can see much better. This is the entrance lobby, this is kitchen, and there is a storeroom over here, and there's a living room, then one bedroom, two bedroom and three bedroom flat. So Majestic is three bedroom, signature flat is slightly bigger, and this has a studio, signature studio attached with this flat, and rest of the four flats are equal size, which are alike. So a light has a typical same dimension here over here, you can see. Okay, so a light is basically 1300 carpet, Majestic is
1400 card. And signature with signature studio is 1690 carpet. And prices, as I told you, it starts from 3.54 CR onwards. So back to the elevation image, friends. So this project is definitely very good project, and after all Oberoi hai to koi darne ki baat nahi hai. Oberoi branded developer hai. Aur dusri baat, jo F tower hai, jo F tower ka jo position hai wo kareeban 2026 mein iska position hai, aur it has combination of 3, 3.5 and 4 BHK flats. And tower is 66-story tower. All the amenities they have given below over here. They have a large size swimming pool over here, plus big garden is there. Then all the amenities which I read, all those amenities, it is there. It is very close to Borivali station also. And metro line is exactly outside this plot. When you come out from here, you walk hardly 50 meters towards Western Express Highway. So there is a metro station, or metro line is over there. Metro station thoda aage piche ho sakta, but metro line is over there. So those who want to travel by metro, they can travel by metro, and highway is connected from all the side. This is the highway over here, which connect. This is the internal road basically, and this goes and connect to the Western Express Highway. And further you go, this goes to the Kandivali and Borivali flyover, which goes to the west. So this project is at Borivali East. So that's all for today, friends. If any inquiries, there you can call me on the number below, which is scrolling on the screen. And for advice, you can call me. Thank you for watching this show, and please don't forget to like and subscribe. And we'll come up with new video tomorrow, day after, anytime. Thank you for watching this show. Thank you very much.